भाई कितना बड़ा शंख है यार। तो ये है भैया बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति, मासी पूतना भाई ऐसे फाड़ा था बकासुर को श्री कृष्ण ने। तो भाई ये गाड़ी है जो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होती है। तो भाई ये रास्ता जाता है सोने की द्वारका की तरफ, वो देखो बोर्ड लगा हुआ सोने की द्वारका। हम इधर गए थे द्वारकाधीश का मुख्य मंदिर, जिसमें 4 बजे के बाद होएंगे एंट्रेंस दर्शन। अभी गए थे तो अभी तो बंद कर दिए थे, बट अब 4 बजे के बाद होएंगे भैया। तो भाई ये है सोने की द्वारका। सोने की द्वारका के अंदर जाने का टिकट है 40 रुपए का एक सवारी, तो 3 का हो गया 120। हाँ देखो भाई सोना नहीं है, बस कलर कर रखा है ऊपर से। और चलते हैं अंदर, शायद मोबाइल अलाउ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ये था टिकट विंडो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों हम सभी तरह के व्लॉग्स बनाते हैं, वेडिंग व्लॉग, पार्टी व्लॉग, ट्रेवलिंग व्लॉग। अगर आपको भी आपकी जिंदगी के खुशी के पल रिकॉर्ड करवाने कैमरे में, तो हमसे संपर्क करें, स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें और हमें इन्फॉर्म करें, हम आएंगे कैमरे में शूट करेंगे, आपकी जिंदगी के खुशी के पलों को कैद करेंगे, एडिटिंग करेंगे और हमारे चैनल पर डालेंगे। और दोस्तों इसमें आपको बहुत सारे फायदे होने वाले, एक तो वीडियो लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगी, और अगर आपने अपनी शादी का व्लॉग बनाया तो आप तो देखोगे ही सही, आपके साथ साथ आपकी शादी में जो भी गेस्ट आए सब उसे देख सकते हैं। अगर आप एल्बम बनाओगे तो उसे केवल आपके फैमिली वाले देख सकते हैं, पर जो कि शादी में जो बंदा आएगा ना वो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल रहेगी, उसको देख लेगा, ये फायदा। और दूसरा फायदा, इसको आप स्टोरेज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे लाइफ टाइम तक अवेलेबल है। तो दोस्तों फटाफट से स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे कॉल करो और एनरोल करो और वीडियो में आगे बढ़ो। तो भाई ये है सोने की द्वारका, देख लो आप, यहाँ पर तस्वीरें बनी हुई है मूर्ति लक्ष्मी जी, गणेश जी, सरस्वती जी और एक श्री कृष्ण भगवान कारावास जन्म ऐसे हुआ था, बताया गया है कैसे जन्म हुआ था उनका। ये नन्हे कृष्ण जी वासुदेव। और यहाँ पे सब पानी को झुला रहे हैं। जय द्वारकाधीश, वशिष्ठ ऋषि शांति रखिए, कश्यप ऋषि। गोपियों के घर माखन चुराते हुए, देखो भाई वीडियो खराब कर दी मेरी। मामा कंस का वध करते हुए, धनु का सुर वध, भृग ऋषि, यह है विश्वामित्र ऋषि, भारद्वाज, सभी तरह के ऋषि, बकासुर भाई ऐसे फाड़ा था बकासुर को श्री कृष्ण ने। इधर गोपियों के साथ रासलीला करते हुए श्री कृष्ण। मासी पूतना मेरा भाई की भक्ति सुनते हुए। शंकराचार्य रामानुजन महावीर स्वामी, तो भाई यहाँ पर तो झांकी झांकी ये सारी, अगर सारी दिखाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये वीडियो अलग से डालूँ। कश्यप ऋषि अपना, सारे ऋषि ऋषि इधर है और श्री कृष्ण की सारी झांकियाँ इधर है। तो भाई अंदर आ चुके हैं, अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा है, देखो। तो ये है भैया बैकुंठ में बैठे हुए विष्णु भगवान की मूर्ति।
असली लग रहा है भाई ये तो भाई ऊपर शीशे की नक्काशी जड़ी हुई है देख लो आप मंदिर में, और यहाँ पर पंखे भी लगे हुए हैं। और धन लक्ष्मी जी कृपा कर दो, हमारा चैनल मोनेटाइज करा दो प्लीज। विजय लक्ष्मी जी, विद्या लक्ष्मी जी, जितने भी लक्ष्मी माता है उनकी मूर्ति है सब तरफ चारों तरफ। और ये शेषनाग लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी दर्शन, गज लक्ष्मी दर्शन, देवी लक्ष्मी दर्शन, सभी माताओं को मेरा प्रणाम। ऊपर जाने का रास्ता तो भैया श्री स्वर्ण द्वारिका पावन धाम ऊपर जा रहे हैं अपन। तो भाई देखो ऐसी सीढ़ियां हैं, अपन चढ़ रहे हैं, और यहाँ पर भी शानदार मूर्तियां बना रखी है यार। ये पूरी की पूरी मूर्ति है भाई, देखो आप। कौरव और पांडवों को शांति दूत बनते हुए दुशासन द्वारा द्रौपदी का वस्त्रण, भीष्म पितामह और बाण से यहाँ पर देखो भाई, भीष्म पितामह कितने सारे बाण लग रहे हैं उनको, ब्रह्म ऋषि द्वारा भगवान को लात। पैर खा लिया उसने, ब्रह्मा विष्णु महेश गोपी संग्रह से लड़क। विश्व को अमृत करते हुए भगवान श्री कृष्ण, शीतला माता की जय, काली माता की जय, शेरावली माता की जय। बड़े अवतार देखो भाई, गणपति बाप्पा मोरिया, श्री बुद्ध अवतार, कल के अवतार, ये कल के अवतार, भाई कितना बड़ा शंख है यार। अच्छा जगन्नाथ धाम भाई, देखो ये भी कुछ झाके आए यहाँ की, तिरुपति बालाजी बालक तीर्थ, और भाई कबूतर, यहाँ पर भी कबूतर है, तिरुपति बालाजी मतलब सारे भगवान हैं यहाँ पे भाई, नाथ जी बाबा। तो भाई ऐसा था श्री सोने की द्वार का पावन धाम, मैंने दिखा दिया आपको, उम्मीद अच्छी लगी होगी आपको वीडियो, इसमें झाकी झाकी थी दिखा दिया, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। और यहाँ पर आपको सभी तरह के साधन मिल जाएंगे जाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, तो चलते हैं अब यहाँ से। तो भाई ये गाड़ी है जो यहाँ पर लोकल ट्रांसपोर्ट के रूप में इस्तेमाल होती है, और खूब चलती है, देखो आगे से ये ऊंट की तरह लगती है दोस्तों, बैठ के अपन ने फोटो खिंचाया, अगर कहीं बैठे हो तो बैठेंगे इसे इसके इस तरह। लोग आकर लेकर मासा सा स्थान आ पावा यार, मारा बड़ा भाई आनो पंडता, सो एक ही विनती है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे भी करो, आज जोड़ विनती है माँ देव का राज में, बस यही छवा माँ तो ताशो ताछ बड़ा भाई माँ छोटा भाई, राम राम सा।